हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एस बी स्कॉलर एकेडमी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एन टी ए यू जी सी नेट जे आर एफ आई सी आर नेट स्लेट टी जी टी पी जी टी होम साइंस 2020, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, सो यू विल बी गेट नोटिफाइड वेन वी विल अपडेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जाम और वीडियो। दिस चैनल इज स्पेशली रन बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन एस बी स्कॉलर्स अकेडमी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में जो कि न्यूट्रिशन के एरिया में स्पेशली वर्क करती हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में एक पार्ट में इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में डिस्कस कर चुकी हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। आज स्पेशली हम इंटरनेशनल एजेंसी में FAO के बारे में बात करेंगे, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये देखा गया है एनालिसिस करके, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं, क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इस इंटरनेशनल एजेंसी से या नेशनल एजेंसी से एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो बेसिकली या तो इनके ईयर्स पूछे जाते हैं कि किस ईयर में कौन सी एजेंसी इस्टेब्लिश हुई या एग्जिस्टेंस में आई, या तो इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या मेजर फंक्शन क्या होता है। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हम उसको क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं FAO के बारे में। FAO जो है वो 1945 में एग्जिस्टेंस में आया। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ द इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल और स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल। जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोगों के न्यूट्रिशन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा। इसके साथ साथ अगर इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें तो इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। FAO जो होता है वो हर कंट्री के ऊपर ध्यान देता है कि जितनी भी कंट्रीज, स्पेशली अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो इसके पे ध्यान देता है कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही है, जितना भी खेतों में फसलों का उत्पादन होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़े, उसकी उत्पादकता जो है वो अधिक से अधिक बढ़ती चली जाए, तो ये भी एक तरह से इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है बेटर कंडीशन फॉर रूरल पीपल। जो भी गांव के लोग होते हैं, जो स्पेशली एग्रीकल्चर एरिया से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड होते हैं, FAO उनके लिए भी वर्क करता है, उनकी कंडीशंस को बेटर करने के लिए वर्क करता है। FAO जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि FAO जो है वो एक तो इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर आता है। FAO का जो मेन मोटो होता है दैट इज़ अ फायर्ड पेनिस लेट देयर बी ब्रेड। इसका अगर हम शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो सबको रोटी मिलना, मतलब सबको खाना मिलना, सबको कहीं ना कहीं फूड प्रोवाइड करना, इस तरह का ये इसका FAO का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है, जो कि अभी तक हमने देखा नहीं कि कहीं किसी ने पूछा है एग्ज़ाम में, बट हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सके कि फायर्ड पेनिस का मतलब क्या होता है। तो लेट देयर बी ब्रेड मतलब सबको रोटी मिले। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि FAO का मेजर मतलब फंक्शन क्या होते हैं, उसके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है FAO का, ये होता है कि वो बहुत सारे न्यूज़लेटर, रिपोर्ट्स, बुक्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन से पब्लिश करता है, ताकि जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, जो उससे रिलेटेड लोग हैं, जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो भी नई टेक्नोलॉजी है या जो नई रिसर्चेज हैं उसके बारे में वो अपडेट होते रहें और वो उस प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सके। इसके साथ साथ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल रिसर्च रिलेटिंग टू न्यूट्रिशन, फूड एंड एग्रीकल्चर के एरिया में भी FAO वर्क करता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन, फूड और एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड जितनी भी इम्प्रूवमेंट होती हैं या जो भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल वर्क होते हैं उसमें कहीं ना कहीं FAO इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ स्प्रेड ऑफ पब्लिक नॉलेज, FAO का वर्क ये भी होता है कि वो आम जनता में, लोगों में फूड और न्यूट्रिशन से और इससे संबंधित क्षेत्रों में, खेती से
संबंधित बातों को वो आम जनता में बताती रहे। इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एफएओ का एक फंक्शन ये भी होता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो हमें प्रकृति से प्रदान होते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं बचाने का भी काम करती है, ताकि जो चीज़ें दोबारा हमें नहीं मिल सकती हैं वो उनको बचा के रखे, ताकि भविष्य में आने वाले लोगों के लिए और अभी के लिए कहीं ना कहीं हमें नुकसान न हो। इसके साथ साथ अगला फंक्शन जो होता है वो ये है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एफएओ जो होता है वो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, प्रोसेसिंग होके बनते हैं, या उनकी जो मार्केटिंग होती है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके ऊपर भी वो काम करता है, उसके इम्प्रूवमेंट में भी वो काम करता है, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज़, ये भी एक वर्क होता है, एफएओ का फंक्शन होता है, क्योंकि अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो जो एफएओ होता है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट के सेक्टर में काम करता है। इसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, एफएओ लॉन्च्ड फीडिंग माइंड्स फाइटिंग हंगर प्रोग्राम, जिसको हम इन शॉर्ट FMFH कहते हैं, इन 2004। अब हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस केयर फंड, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं यूनिसेफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो इट इज़ केम इन द एग्जिस्टेंस इन 1946 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ऐसा देखा गया है कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऐसे वर्किंग एजेंसीज होती हैं, वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में एक्टिवेट हुई थी। तो आप इस चीज़ को माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मे बी इसको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, बट आपको ये ईयर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये 1946 में आई थी। ये बेसिकली यूनिसेफ जो होती है 161 कंट्रीज में वर्क करती है, एरियाज एंड टेरिटरीज को इंक्लूड करके। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है काम करने का, वो पुअर चिल्ड्रेन और उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज के ऊपर ये काम करती है, ताकि उनके जो राइट्स हैं, उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो उनको मिल सकें। अगर हम इसके रीजनल ऑफिस की बात करें साउथ सेंट्रल एशिया में, दैट इज़ द न्यू दिल्ली। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं कि इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है या सेंट्रल ऑफिस कहाँ है। तो अभी यूनाइटेड यूनिसेफ का जो मेन साउथ सेंट्रल एशिया का ऑफिस है, उसका सेंटर जो है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। अब हम डिस्कस करेंगे केयर के बारे में। केयर का फुल फॉर्म कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। आप इनके जितने भी फुल फॉर्म हैं, जैसे कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस केयर फंड, और इसको बहुत ध्यान से, मतलब यू फॉर यूनाइटेड एंड फॉर नेशन, क्योंकि कई बार इन सब चीज़ों को चेंज करके थोड़ा बहुत चिल्ड्रंस की जगह चिल्ड्रन कर देंगे, केयर की जगह कोई और वर्ड यूज़ करके आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो बी केयरफुल जब भी आप किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट से चेंजेस करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, ज़रूरत होती है स्मार्ट स्टडी करने की। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही शार्पली माइंड में अपने रिकॉल करें, ताकि आप कंफ्यूज होकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना करें। अब हम बात करते हैं केयर के बारे में। केयर जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ये भी 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी, फाउंडेड हुई थी। इसका वर्क ये होता है कि रिलीफ सर्वाइवर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जैसे कि अभी यूनिसेफ ने भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए मेजरली उसकी एग्जिस्टेंस हुई थी, इसी तरह केयर भी जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में आई थी। इसका मेन फंक्शन ये होता है प्रोवाइडिंग फूड टू मेजर असिस्टेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्रूव बेसिक एजुकेशन, प्रिवेंट स्प्रेड HIV, और उसके अलावा एक्सेस क्लीन वाटर, सैनिटेशन, डिलीवर्स हेल्प इन एमरजेंसी। इसका जो मेजर अगर वर्क एरिया कह सकते हैं, तो ये एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, HIV के फैलने से रोकने के लिए, इसके साथ साथ क्लीन वाटर जो होता है उसका लोगों को एक्सेस मिल सके, साथ ही साथ सैनिटेशन मतलब सफाई जिसे हम कहते हैं, उसको प्रोवाइड कराना ड्यूरिंग द एमरजेंसी। जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई भी ऐसी त्रासदी होती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कैलमिटीज़ होती है, तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन बेसिकली केयर जो है वो वर्क करता है। सिंस 1982 केयर हैज़ बीन एक्टिव सपोर्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ICDS प्रोग्राम। इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रन करती है, जिसे हम ICDS कहते हैं, जिसको हम अपने अगले स्लाइड्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ICDS क्या है। तो केयर जो है वो 1980
1982 से ICDS प्रोग्राम का एक मेजर सपोर्टर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि FAO केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत माइन्यूट से चेंजेस किए हैं 1945, 1946, 1947। तो आपको ये चीज़ बहुत बहुत ही क्लियरली माइंड में रखनी होगी कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। तो 1945 इज़ द आंसर, FAO जो है वो 1945 में आया था। अब सेम ऑप्शन इसमें भी आता है कि केयर कब फाउंड हुआ था, तो केयर भी 1945 में फाउंड हुआ था। मतलब दो एजेंसीज ऐसी हैं जो सेम ईयर में फाउंड आउट हुई थी, FAO भी 1945, जिसे हम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और केयर भी 1945 में आया था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल ID sbscholarsacademy@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।